बोकारो के राम बालक लाल हत्याकांड में 6 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 मई 2018 को बुजुर्ग राम बालक लाल की हत्या पैसे के लेन देन में हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सागर सिंह, श्याम सिंह, हीरालाल, रामू कुमार, छोटू कुमार और गौतम कुमार को सजा सुनाई है। बहुत हरे। श्याम सिंह, हीरा सिंह, राम कुमार, छोटू कुमार और गौतम कुमार लाल को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। यह घटना 10 मई 2018 की है। रामलाल बालक जो कि दीपक कुमार का पिता है, वो इन अभियुक्तों के पास गया था पहले से जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए, लेकिन अभियुक्त जो है वही छुरा से मार के उसकी हत्या कर दी। अब तक सरकार सिर्फ वीआईपी लोगों को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन अब वार्ड के प्रतिनिधि भी खुद को असुरक्षित बताकर बॉडीगार्ड की मांग कर रहे हैं। रांची के वार्ड 27 के पार्षद ओम प्रकाश का बीते दिनों पानी की समस्या को लेकर किसी से विवाद हो गया, उसके बाद से ओम प्रकाश खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नगर विकास मंत्री से मिलकर उन्होंने कहा कि जनता की समस्या को लेकर उन्हें रात में भी निकलना पड़ता है, इसलिए बॉडीगार्ड चाहिए। तो वो पानी का पैसा भेजे भी हैं और हम लोग चूंकि इस बार हम लोग पहले हम लोग नागरिक सुविधा का पैसा से पानी पे खर्चा नहीं कर सकते थे, पर इस बार नगर विकास विभाग से जो हम लोग पिछले बोर्ड का बैठक में हम लोग भेजे थे, चूंकि 2 बार बोर्ड का बैठक से जा रहा था, तो इस बार हम लोग का मांग को मान लिया गया है। पानी में भी हम लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं, ये नगर विकास विभाग हम लोग को नागरिक सुविधा के मत से करने का अनुमति दे दिया है। तो हम लोग लगता है कि बहुत अच्छा, हम लोग पानी पर और काम करेंगे, पानी पे वाटर हार्वेस्टिंग पे भी खर्चा कर सकते हैं, उसमें पानी का मैंने बोरिंग भी करा सकते हैं, मोटर भी लगा सकते हैं, जिससे लोग को पानी मिल सके। क्योंकि सप्लाई पानी का व्यवस्था आप लोग जान ही रहे हैं, जो सबसे पानी का जो मैंने मेन जरिया सप्लाई पर सप्लाई का व्यवस्था रांची का देख ही रहे, बहुत बुरा स्थिति है। हमको लगता है कि उसके बिना पानी मिलेगा नहीं, पर अभी जो स्थिति। राज्य के तमाड़ थाना क्षेत्र में 24 जून को हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बुधन लाल के पास से हत्या में प्रयोग किए गए चाकू को भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी का मृतक के साथ अवैध संबंध था, दोनों को साथ देकर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। की पहचान के साथ ही हम लोग पूरे कांड का खुलासा कर पाए। इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त बुधन लाल सिंह मुंडा, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ की गई उसमें इन्होंने अपना पूरा इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और किस तरह से इन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया ये पुलिस को अपने बयान में बताया। गढ़वा के बंशीधर अनुमंडल मुख्यालय में एक बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जितेंद्र विश्वकर्मा नाम का 5 साल का बच्चा खेलने के दौरान तार की चपेट में आया। घरवाले जब उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे तो मृत पाया। मृतक के पिता ने कहा कि बिजली के तार के गिरे होने की सूचना बिजली विभाग के एसडीओ को दिया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर विभाग ने तार हटा लिया होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। धनबाद पीएमसीएच के आईसीयू में आज सुबह महिला मरीज की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा और नर्स पर इलाज के बदले पैसे मांगने का गंभीर आरोप भी लगाया। बता दें कि बिहार के जमुई जिले की रहने वाली बसंती देवी का कोचेस्ट इन्फेक्शन था। झरिया में रहने वाली बेटी ने इलाज के लिए आईसीयू में शनिवार को भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों से आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाने की मन्नतें की गई। वहीं आधार और राशन कार्ड होने के बावजूद सिटी स्कैन में 1750 रुपये ले लिए गए। ब्लड जांच के भी पैसे लिए गए, लेकिन समय पर रिपोर्ट नहीं दी गई।